हेलो दोस्तों, नीलकमल रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने बहुत सारे घरेलू उपाय लेकर आई हूँ। इनको करके आप अपना बहुत सारा काम सुचारू रूप से कर सकते हैं। कभी कभी हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम कुछ काम कर सकें, लेकिन ये काम इतने अच्छे तरीके से किए हैं कि आपका बहुत सारा समय बचेगा। तो चलिए अपनी पहली टिप्स की तरफ चलते हैं। ये हमारा मिक्सी का जार है, हमें मसाला पीसना है या कुछ भी पीसना है। कभी कभी जार इतने दिन बंद रहता है, उसमें एक अजीब सी स्मेल आती है और धोएंगे तो जार हमारा गीला हो जाएगा, सुखाने में भी टाइम लगता है, एक मॉइस्चर सा जाता है। तो हमें जार की बदबू दूर करने के लिए जो हमारा तवा होता है, हम रोटी बनाते हैं तवा हमारा हल्का सा गर्म होता है, उस पर हम इस जार को 2 मिनट के लिए उल्टा करके रख देंगे। तो इस तरह से हमारे जार के अंदर जो एक गंध होती है, स्मेल होती है, वो दूर हो जाएगी। तो आप इसके बाद देखिए कितनी अच्छी सी इसकी स्मेल जो आ रही थी वो सारी दूर हो गई। एक सीलन सी अजीब सी स्मेल आती है जब हमारा जार 8 से 10 दिन के लिए बंद रहता है। इसके बाद आप इसमें कोई भी मसाला कोई भी पीस सकती हैं। तो इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, ये है हमारी पौनी। ये पौनी पूड़ियाँ तलने के काम आती है, पकौड़ियाँ तलने के काम आती है, लेकिन ये हमारा चम्मच स्टैंड, करछली स्टैंड भी बन सकता है और बहुत ही अच्छा बन सकता है। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको किस तरह से अपनी चम्मच रखने का स्टैंड बना सकते हैं। तो देखिए ये जो जाली बनी हुई, इसको हम पौनी को उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद हम इसमें इस तरह से देखिए चम्मच को लगाएंगे। कभी कभी मेरे पास चम्मच लगाने को कुछ नहीं होता है तो मैं इसमें पौनी में अपनी चम्मचें लगा देती हूँ और अपनी करछली लगा देती हूँ। लगाने के बाद इसको टांग देती हूँ तो ये बहुत ही अच्छा सा चम्मच स्टैंड बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए मैंने अपनी बड़ी चम्मच और छोटी चम्मच इसमें लगा दी और लगाने के बाद देखिए कितने अच्छे से ये चम्मच स्टैंड बनकर तैयार हो गया। एक भी चम्मच गिर नहीं रही है। तो आपको कभी भी अगर चम्मच रखने की कोई भी चीज़ नहीं तो आप इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकती हूँ। देखिए इसको आप टांग देंगी किचन में कहीं भी जहाँ पे आपको जगह सही लगे वहाँ पे आप इसको टांग दीजिएगा। तो आपकी देखिए कितने अच्छे से चम्मच स्टैंड बनकर तैयार हो गया। फटाफट चम्मच निकालिए और इस्तेमाल करिए और साथ ही पूड़ियाँ तलने के भी काम में ले लीजिए। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, ये है हमारा साबित धनिया। सब्जियों में साबित धनिया को हम लोग पीस कर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारा मन जो होता है कुछ स्पाइसी सब्जी खाने का मन होता है, लेकिन गर्म मसाला हमें नुकसान करता है, ब्लड प्रेशर की समस्या भी होती है, तो हम गर्म मसाला नहीं खा सकते। लेकिन मैं आपको बताऊँगी कि आप धनिया में कुछ मसाले डाल सकते हैं जिससे आपकी सब्ज़ी थोड़ी सी स्पाइसी बन जाएगी, आपको गर्म मसाले की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो इसके लिए मैं जब धनिया पीसती हूँ इसमें 10 से 12 डाल देती हूँ, काली मिर्च 10 से 15 डाल देती हूँ, लौंग, और उसके बाद इसमें मैं डालती हूँ 4 से 5 बड़ी इलायची, और उसके बाद डाल देते हैं 4-5 हम तेज़पात के पत्ते। इस तरह से आप धनिया पीसेंगी तो आपको सब्ज़ी का टेस्ट इतना अच्छा हो जाएगा, आपको गरम मसाला डालने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। सब्ज़ी आपकी एकदम तीखी बनेगी, बहुत ही स्पाइसी बनेगी और साथ ही आपको ना तो गरम मसाले की ज़रूरत पड़ेगी और सब्ज़ी का टेस्ट एकदम बढ़िया हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी टिप्स है, इस तरह से आप अपनी सब्ज़ी का टेस्ट बहुत बढ़िया बना सकती हैं। धनिया भी आपके काम में आएगा और सब्ज़ी भी एकदम तीखी स्पाइसी बन जाएगी। थोड़ा सा आप गरम मसाले का सामान धनिया में ऐड करके उसको पीस सकती है। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, ये है हमारा साबित धनिया। हमारे पास कभी कभी चटनी बनाने का सामान नहीं होता, गर्मियों में तो हरे धनिया की बहुत ही समस्या होती है, लेकिन चटनी खाने का मन है तो आपने कभी साबुत धनिया की चटनी नहीं बनाई होगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास धनिया नहीं हो तो आप साबुत धनिए की भी बहुत अच्छी चटनी बना सकते हैं। तो देखिए मैंने ये 2 चम्मच साबित धनिया लिया है, इसमें हम डाल देंगे 1 टमाटर और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें 1 आंवला। आंवला की जगह आप नींबू भी डाल सकती हैं या आमचूर पाउडर भी डाल सकती हैं। चटनी तो वैसे कितना भी सामान डाल दीजिए, सब सामान मिला के चटनी ही बन जाती है, आप इसमें और भी कुछ ऐड कर सकती हैं। इसके बाद मैंने इसमें डाल दी है हरी मिर्च। कभी कभी हमारे पास हरी मिर्च सूख जाती है तो लोग फेंक देते हैं, लेकिन मैं इस तरह से सूखी हुई हरी मिर्च को चटनी के रूप में इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो मैंने 4-5 इसमें हरी मिर्च डाल दी है और 1 चम्मच डाल दिया इसमें नमक, और उसके बाद डाल दिया 1 पिंच हींग। चटनी में हींग बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसके बाद हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा पानी, और पानी डालने के बाद ये चटनी पीस लेंगे और ये बहुत ही अच्छी चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। इसको आप 8 दिन के लिए फ्रिज में रख दीजिए और इसके बाद इस्तेमाल करिए, ये चटनी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। और इतना अच्छा इस साबित धनिया की चटनी का टेस्ट आता है कि आपको हरी धनिया की चटनी की कमी महसूस नहीं होगी। और जब भी आपके घर में कभी धनिया नहीं हो या चटनी बनाने का कोई भी सामान नहीं हो, आप साबित धनिया लीजिए और सारा सामान डालकर चटनी बना लीजिए, बहुत ही टेस्टी चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए मैंने कितनी अच्छी चटनी बनाई है, इसको आप पराठा पूड़ी पकौड़ी किसी चीज़ के साथ भी खाइए, बहुत बढ़िया चटनी बनकर तैयार है। तो इस तरह से आप अपनी गर्मियों में जब भी आपके पास धनिया नहीं हो कोई भी सामान नहीं हो, आप इस तरह से चटनी बना सकती हैं। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, ये है
ये है कढ़ाई और इसमें मैंने पकौड़ियाँ बनाई हैं। इसके बाद मुझे इसमें सब्ज़ी बनानी है, लेकिन कढ़ाई इतनी गर्म है कि अगर मैं इसको पकड़ूंगी तो छूट कर गिरने का डर भी रहेगा और जलने का भी डर रहेगा। तो अगर आपकी कढ़ाई गर्म है और आपको कढ़ाई का तेल साफ़ करना है तो इसके लिए आप लेंगी एक स्टील की चलनी। उससे आप इस तरह से इसकी जो भी गंदगी है, जो भी पकौड़ी या पूड़ियों के पार्टिकल्स रह जाते हैं, उसको इस तरह से आप चलनी से साफ़ कर लीजिए। आपका तेल एकदम साफ़ हो जाएगा, आपको कढ़ाई उठाने की ज़रूरत ही नहीं महसूस होगी, क्योंकि जब हम कढ़ाई उठाएंगे तो हमारा हाथ या कढ़ाई गिरने का भी डर रहता है, हाथ जलने का भी डर रहता है। तो इस तरह से आप देखिए तेल को एकदम साफ कर लेंगी, आपका तेल एकदम साफ हो जाएगा और जो भी गंदगी है वो सारी चलनी में आ जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी गरम कढ़ाई के तेल को साफ कर सकती हैं। बहुत ही अच्छी टिप्स है, देखिए कितना एकदम साफ तेल हो गया। तो कभी भी आपकी कढ़ाई गर्म हो, आपको कढ़ाई का तेल साफ करना है, तो आप इस तरह से चलनी की सहायता से अपनी कढ़ाई का तेल साफ कर सकती हैं। बहुत ही अच्छी टिप्स है, इसको आप ज़रूर आजमाइएगा। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, ये हैं बोतलें, खाली पड़ी रहती हैं, बहुत लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में। तो मैं आपको बताऊँगी कि इस बोतल का आप इस्तेमाल जो है चम्मच रखने में या बच्चों के पेन पेंसिल इधर उधर पड़े रहते हैं उसका इस्तेमाल रखने में कर सकती हूँ। तो इसके लिए मैंने एक मार्कर लिया और एक लिया स्केल। तो सबसे पहले मैं मार्कर से नीचे राउंड शेप में इसमें निशान बना लूँगी। निशान बनाने से ये होता है कि जब आप कोई भी चीज़ को काटते हैं तो बहुत एकदम सही से वो कट जाती है, अगर निशान नहीं बनता है तो वो टेढ़ी मेढ़ी कटती है। तो देखिए मैंने इस तरह से नीचे की साइड में एक गोल निशान बना लिया। उसके बाद स्केल से मैं इसकी लंबाई में दो निशान बना लूँगी और इस तरह से हम इस बोतल को काटेंगे तो बहुत ही अच्छी सी शेप आएगी। कभी कभी टेढ़ी मेढ़ी सी शेप आती है, बोतल सही से नहीं कट पाती है। तो देखिए मैंने स्केल से ये दोनों साइड में निशान बना दिया है मार्कर से। इसके बाद हम नीचे वाले हिस्से को और ऊपर ये जो शेप बनाई है मैंने इससे स्केल से, उसको छोड़कर हम दोनों साइड को काट लेंगे। तो काटने के लिए मैंने एक कटर लिया है, आप चाहे चाकू को गर्म करके भी काट सकती हैं। तो काटने के बाद देखिए बोतल हमारी इतनी अच्छी से एक पेन स्टैंड के रूप में बनकर तैयार हो जाएगी। आपको यकीन ही नहीं होगा कि बोतल का भी हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास कितनी सारी कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती हैं जिनको हम फेंक देते हैं, कभी इस्तेमाल में नहीं लेते, लेकिन आप इस तरह से अपनी सारी बोतल का इस्तेमाल कर सकती हैं। और करने के बाद चाहे तो आप उसमें प्लांट्स लगा सकती हैं, कोई भी फूल सजा सकती हैं, बहुत सारे उपाय हैं जिनको आप इस तरह से बनाकर अपनी बोतल का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से बोतल को काट लिया और काटने के बाद कितनी अच्छी सी इसकी एकदम शेप बनकर तैयार हो गई है। इसके बाद हम नीचे से इसको मोड़ देंगे, मोड़ने के बाद एक छोटा सा होल नीचे भी करेंगे जिससे जो बोतल का ढक्कन है अंदर की साइड में आ जाए। तो देखिए इस हिस्से को हमने काट कर ऊपर वाले हिस्से को भी काट कर अलग कर दिया है और अलग करने के बाद हमारी बोतल कुछ इस तरह से बनकर तैयार होगी। इसको हम हटा देंगे और हटाने के बाद देखिए ये इस तरह से लंबाई की शेप में बोतल हो गई है। और इसके बाद हम इसको मोड़ देंगे और मोड़ने के बाद नीचे भी हम एक होल कर लेंगे जिसमें हमारे जो बोतल का ढक्कन है वो आराम से आ जाए। तो देखिए इस तरह से बोतल की शेप हो गई। तो मैंने ये नीचे होल किया है और उसको भी मैंने कटर की सहायता से गोल गोल काट लिया है, आप चाकू से भी काट सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ये बहुत ही अच्छी बोतल की शेप बनकर तैयार हो गई, जैसे कि छोटा सा मग होता है ना उस तरह से बनकर तैयार हो गया। इससे आप बहुत सारे काम ले सकते हैं, आप इसको मग के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से मोड़ कर मैं अंदर की साइड से इसमें बोतल का जो ढक्कन है उसको लगा दूँगी और लगाने के बाद मैंने जो बर्तन का मेरा एक स्टैंड है उसमें पाइप लगे हुए हैं, उस पाइप में मैंने इसको लटका दिया और लटकाने के बाद मैंने इसमें अपनी सारी करछनी है, अपनी सारी चम्मच है इस तरह से लगा दी हैं जो देखने में बहुत ही अच्छी लग रही हैं। और साथ ही हमारे सामान जो इधर उधर पड़ा रहता है, जो गिरा रहता है, कहाँ करछली रखें, कभी गिर रही है, इधर गिर रही है, तो इस तरह से आपकी चम्मच और जो करछली हैं वो इधर उधर गिरेंगी भी नहीं, आप उनको इस तरह से लगाइए। देखिए मैंने सारी चम्मच इसमें लगा दी हैं और इसको टांग दिया तो देखिए कितने अच्छे तरीके से मेरी सारी करछली हैं, जो मेरी स्पून्स हैं, चम्मचें हैं, वो सब इधर एकदम सेट करके लगी हुई है, कोई भी चम्मच मेरी इधर उधर गिरती नहीं। तो आप इसमें कोई भी सामान रख सकती है, बच्चों के कमरे में भी रख सकती हैं, उनके पेन पेंसिल हैं, बच्चों के कलर्स हैं, स्केच है, वो भी आप इस तरह से उसको रख सकती हैं। बहुत ही अच्छी टिप्स, आपकी सारी बोतल जो है इस्तेमाल में हो जाएंगी। तो अगली बार बोतल को फेंकने से पहले इसको ज़रूर बनाइएगा, आपका वेस्टेज सामान इसमें भर दीजिएगा, अपने किचन में, पूजा के कमरे में, बच्चों के कमरे में इस तरह से लगा दीजिएगा। इसको आप थोड़ा सा डेकोरेट भी कर सकते हैं, इस तरह से ये बहुत ही सुंदर पॉट्स के रूप में आपके इस्तेमाल में आएंगे। तो आपको ये सारी टिप्स कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।